गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद से अमीना बानो नाम की महिला ड्रग माफिया को गिरफ्तार किया। अमीना के 100 से ज्यादा ड्रग पेडलर से संपर्क हैं। डी गैंग से भी अमीना का कनेक्शन है। पुलिस की कार्रवाई में अमीना के पास से ड्रग्स पुलिस ने बरामद की। पिछले कुछ वर्षों में गुजरात ड्रग्स तस्करी का बड़ा केंद्र बन गया है। पिछले एक साल में पुलिस की कार्रवाई में हजारों करोड़ के ड्रग्स यहां बरामद किए गए हैं। ज्यादातर ड्रग्स की तस्करी समुद्र के रास्ते से यहां की जा रही है। गुजरात एटीएस के साथ कई और सुरक्षा एजेंसियां लगातार धरपकड़ में लगी रही, लेकिन इस काले कारोबार को चलाने वाले असल मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचते रहे। इस बार गुजरात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अहमदाबाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने इस बार गुजरात की उस महिला डॉन को गिरफ्तार किया है जो गुजरात में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार चलाती है। अहमदाबाद के कालूपुर इलाके से पकड़ी गई अमीना बानो पहली महिला डॉन है जो गुजरात में ड्रग्स का कारोबार चलाती है। इसके पास से 31 ग्राम ड्रग्स के अलावा MD ड्रग्स की खेप भी मिली है। अमीना बानो से पूछताछ में पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि डी गैंग के साथ भी उसके ताल्लुकात हैं। ये दोनों आरोपी का जो घर है उसके आसपास हमारी टीम ने 2-3 दिन से जो वॉच रखा था उसमें ये दोनों कल NDPS ड्रग के साथ दोनों को पकड़ लिया है। और 31 ग्राम 3,11,000 का ड्रग्स मिला है उसके पास। उसके दोनों के खिलाफ गुना रजिस्टर किया है। अमीना बानो मुंबई के कई ड्रग्स माफियाओं के साथ भी संपर्क में थी। पिछले 2 साल से वो ड्रग्स के धंधे में एक्टिव होकर काम कर रही थी। ड्रग्स लेने आने वाले लोग अमीना बानो के साथ कोड वर्ड में बातचीत करते थे जिसमें 5 शब्द का कोड वर्ड रहता था। दिलचस्प बात यह है कि जब गुजरात में 1980 से 1990 के दशक डॉन अब्दुल लतीफ शराब का धंधा करता था, उस वक्त अमीना शराब के धंधे में उसकी साथी के तौर पर शराब का कारोबार चलाती थी। 2001 में एक क्राइम ब्रांच ने ही केस किया हुआ है अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच, और उस केस में उनको सजा हुई थी 11 साल की। वो सजा काटने के बाद ये जेल से छूट के फिर उसने दारू का धंधा भी किया था, और दारू के 10 से 11 केस उसके ऊपर हुए हैं। अमीना बानो का ड्रग्स तस्करी का काला कारोबार पिछले कई सालों में बढ़ता चला गया, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी अमीना बानो ब्राउन शुगर के साथ पकड़ी गई थी और कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा भी सुनाई थी। अमीना बानो जेल में 10 साल गुजार भी चुकी है। 2002 में अमीना बानो को सजा हुई थी जिसमें वो 2012 में जेल से बाहर आई थी, लेकिन इस बार जब पुलिस ने अमीना बानो को पकड़ा तो उसके साथ ड्रग्स कारोबार का पूरा रैकेट मिला जिसमें गुजरात और देश के अलग अलग कोनों में ऑपरेट कर रहे 100 से ज्यादा ड्रग पेडलर शामिल हैं। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो।